देश की बात में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। खैर मकदम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश की बात में आज विषय है निजीकरण। निजीकरण को बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हल्के में ले रहे हैं। यह गुलामी का वह शिकंजा है जो धीरे धीरे आपके गले को कसता ही जाएगा। वह समय अब दूर नहीं है जब इतिहास में पढ़ाया जाएगा भारत की अंतिम सरकारी ट्रेन, अंतिम सरकारी बस, अंतिम सरकारी एयरपोर्ट व अंतिम सार्वजनिक उद्योग कौन सा था। किसी सरकारी उपक्रम या सरकारी संस्थान के निजीकरण होने पर आम जनता का चुप रहना एक दिन पूरे देश को भारी पड़ेगा, क्योंकि सारे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, निजी प्राइवेट हाथों में होगा। तब आप देखेंगे कि तानाशाही क्या होती है। ध्यान रहे, सरकार व सरकारी उपक्रमों का उद्देश्य होता है कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाना, जबकि प्राइवेट संस्थानों का उद्देश्य ही होता है कम से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना। उदाहरण के तौर पर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों का हाल देख लो। अंदर घुसते ही आम आदमी का घर, मकान व ज़मीन बिक जाएगी। निजीकरण रूपी साजिश पर देश की जनता की चुप्पी ही देश को चंद उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की नीति में सहायक है। इसलिए आपको जागना होगा और अपने देश व देश की सार्वजनिक संपत्तियों को बचाना होगा। रेल को बचाना होगा, शिक्षण संस्थानों को, अस्पतालों को बचाना होगा, सरकारी कर्मचारियों व सरकारी विभागों को बचाना होगा। मुसीबत में सरकारी विभाग ही काम आता है, कोई निजी विभाग काम नहीं आता। अतः सभी को निजीकरण का विरोध करना चाहिए, वरना आने वाले समय में इस देश को कुछ ही उद्योगपति घराने चलाएंगे। राजनीतिक सत्ता सिर्फ दिखावे की वस्तु भर रह जाएगी, यह तथ्य निजीकरण के दीवाने मूर्ख आज नहीं समझ पा रहे। देश हित में आपको सोचना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।